हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को मिस किए बिना देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। सुंदर और किट्टू दोनों किट्टू के निवास गए। सुंदर के दिमाग में एक बात आई। उसने किट्टू से पूछा, किट्टू रोज इस तरह चलने से मैं थक जाता हूँ, तुम एक वाहन का निर्माण करो ना। सुंदर, तुम्हें इतना पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नया वाहन बनाता हूँ। किट्टू ने जमीन पर अपने उंगली से एक आकार बनाया। वो बहुत विचित्र लग रहा था। क्या किट्टू, क्या बना रहे हो? देखते रहो क्या होता है। इतने में वहाँ एक नया वाहन प्रकट हुआ। सुंदर चकित रह गया। हे, बहुत सुंदर है किट्टू, इसका नाम क्या है? नकाहपा। नकाहपा? क्या नकाहपा, बहुत विचित्र है। इसमें कुछ विचित्र नहीं है, नाव, कार, हवाई जहाज और पनडुब्बी, इन चारों को मिलाकर इसे बनाया हूँ। ओहो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। मतलब ये पानी पर, पानी में, जमीन पर और आसमान में भी चलेगा? हाँ, तुम्हें कहीं भी जाना हो ये वाहन तुम्हें ले जाएगा। सुंदर उस वाहन के पास जाकर उसके चारों ओर घूम घूम कर देखने लगा। उसके अंदर जाने की कोशिश करने लगा। रुको रुको, मत चढ़ो, ये कोई साधारण वाहन नहीं है, चढ़ोगे तो वो तुम्हें कहीं और ले जाएगा। ओहो, ऐसा, तो फिर इसे कैसे चलाएंगे? तुम्हें चलाने की जरूरत नहीं है, बाहर खड़े होकर उसे बताओ कि कहाँ जाना है, वही तुम्हें ले जाएगा। ऐसा, तो पूछ कर देखता हूँ। हे वाहन, मुझे समुद्र के ऊपर से ले चलो, मुझे पूरा समुद्र देखना है। उसके ऐसा कहते ही उस वाहन में से एक कुर्सी बाहर आया और सुंदर के सामने रुका। सुंदर खुशी से, किट्टू तुम भी आओ, दोनों साथ जाते हैं, आओ किट्टू। रुको, आता हूँ। सुंदर को एक शंका हुई। किट्टू, यहाँ तो एक ही कुर्सी है, फिर तुम कैसे आ सकते हो? कोई बात नहीं है, तुम पहले अंदर जाओ, फिर मैं आता हूँ। सुंदर कुर्सी पर बैठा। अंदर जाओ। वो कुर्सी सुंदर को अंदर ले गया। अंदर बैठकर वहाँ के वातावरण को देखकर चकित हो गया। चारों ओर शीशे, खाने की चीजें, खेलने के लिए खिलौने, इस तरह सुंदर जो चाहता था वो सब वाहन में मौजूद थे। उसे बहुत खुशी हुई। खिड़की से बाहर देखकर, किट्टू आओ आओ आओ, अंदर आओ, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तो मैंने ही प्रबंध किया है, उसके बारे में मुझे ही बता रहे हो? तुम जल्दी आ जाओ किट्टू। ठीक है आता हूँ, रुको। किट्टू भी उस वाहन के अंदर गया। दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे। वाहन वहाँ से आगे चल पड़ा, बहुत दूर जमीन पर ही चला। पहले सुंदर को बहुत डर लगा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। किट्टू ने उसको समझाया, डरो मत किट्टू, कुछ नहीं होगा। सुंदर को थोड़ा धैर्य आया और आराम से जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में एक नदी दिखाई दिया। तुरंत वाहन पानी पर उतर गया। पानी पर नाव के तरह जाने लगा तो सुंदर को अजीब से लगा, फिर भी आनंद लेने लगा। किट्टू सुंदर को देखकर मन ही मन सोचने लगा, लगता है सुंदर बहुत खुश है, बहुत आनंद ले रहा है। हाँ किट्टू, कितना अच्छा लग रहा है, पहले कार की तरह गया, अब नाव की तरह जा रहा है। अरे उधर देखो, छोटे छोटे नाव। बगल से छोटे छोटे नाव जाते दिखाई दिए। वो नाव बहुत धीरे जा रहे थे, इनका वाहन तो बहुत तेज जा रहा था। तभी वाहन ने नदी पार कर ली। सामने बड़े बड़े पेड़ दिखने के कारण वाहन हवा में उड़ने लगा। हवा में बहुत ऊंचा उड़ने के कारण वह बादलों को देखकर चकित रह गया। तरह तरह के पक्षी दिखाई दिए। वहाँ से नीचे देखने पर सब छोटे छोटे आकार में दिखाई दे रहे थे।
वाहन समुन्दर के ऊपरी तल पर जाने लगी। सुंदर को समुन्दर में कुछ हलचल दिखाई दी। लगता है वे लोग किसी मुसीबत में हैं। हाँ, क्या हुआ होगा? कोई दुर्घटना लगती है। किट्टू, किट्टू हमें उन्हें बचाना होगा। ठीक है, चलो। वो वाहन वहाँ गया। बड़े नाव पर बहुत सारे मछुआरे चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे थे। दोनों उनके पास गए। क्या हुआ है जी, आप सब चिल्ला क्यों रहे हैं? हम मछली पकड़ने आए हैं। हम में से एक आदमी पानी में गिर गया है। बेचारे को तैरना भी नहीं आता है। उनके लिए उनके घर वाले भी राह देख रहे होंगे। किट्टू, क्या हम उन्हें बचा सकते हैं? जरूर सुंदर, हमारा वाहन पानी में पनडुब्बी की तरह भी काम करता है। तो क्या हम अंदर चलें? ठीक है, लेकिन उससे पहले यह प्राणवायु हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसे तुम लगा लो। वहाँ से वे पानी के अंदर घुसते चले गए। वैसे बहुत दूर तक गए। बीच में उन्हें बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया। डरो मत, वो हमें कुछ नहीं करेगा। क्या किट्टू, उतना बड़ा सांप आ रहा है? बाप रे, और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं करेगा? देखते जाओ। वो सामने से नजदीक आ रहा था। सुंदर का डर और ज्यादा बढ़ गया। किट्टू किट्टू किट्टू, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पास आ रहा है। वो सामने नजदीक आकर अपना बड़ा सा मुंह खोला। सुंदर जोर से चिल्लाया, किट्टू किट्टू। किट्टू अपने चमकते आंखों से सांप के आंखों में देखा। किट्टू के आंखों से एक रोशनी निकली और सांप के आंखों में छुपी। बस सांप एकदम से कांपने लगा, तुरंत उनसे दूर जाकर वहां से चला गया। सुंदर ने चैन की सांस ली। उस उत्सुकता से बाहर आने के लिए सुंदर को बहुत समय लगा। सुंदर किट्टू की ओर देखकर शकुन से हंसने लगा। किट्टू भी सुंदर को देखकर हंसा। देखा, उस सांप ने तुम्हें कुछ किया? नहीं, मैंने पहले ही कहा था ना। देखा, मैंने अपनी शक्ति का उपयोग कैसे किया? देखा, मैंने देखा, तुम्हारे पास बहुत शक्तियाँ हैं किट्टू। वे समुन्दर के अंदर पहुँचे, लेकिन कहीं उन्हें वो मछुआरा दिखाई नहीं दिया। हर जगह खोजा, उन्हें समुन्दर में तरह तरह के पौधे, पत्थर और बहुत सारे संपत्ति दिखे, लेकिन मछुआरा कहीं दिखाई नहीं दिया। उधर समुन्दर के ऊपरी तल पर बेचारे मछुआरे अपने साथी के वापस आने की राह देख रहे थे। दोस्त, क्या वो वापस आएगा? वैसे क्यों बोल रहे हो रे, वो जरूर वापस आएगा। उफ, अपनी बहस छोड़ो और उसके वापस लाने के बारे में सोचो। अंदर दोनों उसे खोजने में लगे थे। किट्टू, लगता है वो हमें नहीं दिखेगा, वापस चलें। हम उसे बचाने आए हैं। पूरी जोर लगाकर कुछ करें तो कुछ भी संभव है। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। पौधों के बीच, बड़े बड़े पत्थरों के बीच खोजना शुरू किया। भाग्यवश वो उन्हें एक पत्थर के पीछे पड़ा मिला। किट्टू किट्टू, देखो वो वहाँ है। हाँ हाँ, मैंने देखा। जल्दी चलो, हमें उसे तुरंत ऊपर ले जाना होगा, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। तुरंत दोनों उसे ऊपर ले आए। नाव में सभी ने चैन की सांस ली। कुछ लोगों ने मुंह में हवा भरकर उसकी सेवा की। वो बचा, सब खुश हुए, सुंदर की बहुत प्रशंसा की। सुंदर ने किट्टू की तरफ देखकर खुशी से, किट्टू तुम मेरे साथ थे, इसलिए दोनों मिलकर उसे बचा पाए। अब चले। आपका हृदयपूर्वक शुक्रिया। आप ना होते तो मेरे बदले मेरे मरने की खबर घर पहुंचती। मैं जिंदगी भर आपका आभार रहूंगा। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। बदले में कुछ मांगने को सहायता नहीं कहते।
हमने साफ मन से आपकी सहायता की। अब से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, ठीक है? टाटा। सबको टाटा बोलकर दोनों वाहन पर चढ़े। मछुआरे भी चल पड़े।